नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एबल टू। एबल टू का मतलब होता है सब्जेक्ट कुछ करने योग्य है, सब्जेक्ट कुछ करने में सक्षम है, सब्जेक्ट कुछ करने के लायक है, सब्जेक्ट कुछ कर पाता है, सब्जेक्ट कुछ कर लेता है, सब्जेक्ट कुछ करने में समर्थ है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है आपको समझाने के लिए। जैसे एबिलिटी दिखाने के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर दिखाने के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्किल दिखाने के लिए भी आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भी आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अनेबल का इस्तेमाल करके भी नेगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा भी वर्ब में आप एबल लगा के भी इसका इस्तेमाल करके इसी टाइप का मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे ड्रिंक में आपने एबल लगा दिया तो ड्रिंकेबल हो गया, दैट मीन्स वाटर इज ड्रिंकेबल, पानी पीने योग्य है या पानी पीने के लायक है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हेडिंग लिखा है मैंने एबल टू प्रेजेंट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट इज एबल टू डू समथिंग। इट मींस सब्जेक्ट कुछ करने में सक्षम है, योग्य है, लायक है, समर्थ है, कर लेता है, कर पाता है, कर सकता है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सिंपल में सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज एम आर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे आई है तो एम लगाएंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप इज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी होगी, और आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश, राम अंग्रेजी में बात करने में सक्षम है। नेक्स्ट, शी इज एबल टू कुक फूड, वह खाना बनाने में सक्षम है या समर्थ है, या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर सकते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलने में सक्षम है, वे लोग इंग्लिश में बात करने में समर्थ है, वे लोग नौकरी करने योग्य है, वह कंप्यूटर चलाने लायक है, वह नौकरी करने लायक है, या सब्जेक्ट कोई भी काम करने के लायक है, योग्य है, समर्थ है, यानी सब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है कुछ करने की। ऐसे किसी भी सेंटेंस के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने सिंपल का रूल पढ़ा, अब हम नेगेटिव का रूल पढ़ने जा रहे हैं। नेगेटिव में हम नॉट लगा के सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं है, वे लोग काम करने योग्य नहीं है, वह काम करने में समर्थ नहीं है, वह इंग्लिश में बात नहीं कर सकता है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको इज एम आर लगाना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर एबल टू, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, ही इज नॉट एबल टू वॉक, वह काम करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट, दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे वह खाना नहीं बना पाती है, वह मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाती है, वे लोग फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं, वे लोग फुटबॉल खेलने में समर्थ नहीं है, वे लोग साइकिल नहीं चला पाते हैं। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने नेगेटिव का रूल सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस बनाने के लिए हिंदी में आपको क्या से सेंटेंसेस स्टार्ट करने होते हैं, और इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंसेस स्टार्ट करने होते हैं। जैसे, क्या वह खाना बनाने में समर्थ है,
क्या वे लोग इंग्लिश में बात करने में सक्षम हैं, क्या वह काम कर सकता है, क्या वह क्रिकेट खेल सकता है, क्या वे लोग इसे उठाने में समर्थ है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव में एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रूल्स और एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको इजीएमआर लगाना होगा इंग्लिश में, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। फिर आपको हिंदी में क्या से सेंटेंसेस स्टार्ट करने होंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, फिर आप अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इज शी एबल टू कुक फूड, क्या वह खाना बनाने में सक्षम है, या क्या वह खाना बना सकती है, या क्या वह खाना बनाने में समर्थ है। ऐसे किसी भी हिंदी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर दे एबल टू कम ऑन टाइम, क्या वे समय पर आने में समर्थ है, क्या वे लोग समय पर आने में सक्षम है, या क्या वे लोग समय पर आ सकते हैं। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं, आर यू एबल टू टॉक इन इंग्लिश, आर यू एबल टू प्ले क्रिकेट, आर यू एबल टू कुक फूड, आर यू एबल टू सिंग, आर यू एबल टू डांस, और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव का रूल सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में हमने क्या की सहायता से सेंटेंस बनाना सीखा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको क्या और नहीं दोनों लगाना होता है। इसका इस्तेमाल भी हम सवाल पूछने के लिए करते हैं, ये भी सेम कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, क्या वह खाना बनाने में समर्थ नहीं है, क्या वे लोग इंग्लिश में बात करने में सक्षम नहीं है, क्या वे लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्या वे लोग इसे उठा नहीं सकते हैं। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको इजमआर का इस्तेमाल करना होगा इंग्लिश में, और हिंदी में आपको क्या से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इज शी नॉट एबल टू डांस, क्या वह डांस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, आर दे नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, क्या वे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या और नहीं लगा के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे, आर यू नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश, आर दे नॉट एबल टू कुक फूड, इज शी नॉट एबल टू रन, आर दे नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखा, अब हम डब्ल्यू एच हेमनी का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें आप डब्ल्यू एच हेमनी के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे वॉट, वेन, वेयर, जैसे आप क्या करने में सक्षम है, आप अपने जीवन में क्या करने में सक्षम है, आप क्या कर सकते हैं, वह कब आने में सक्षम है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू एच हेमनी के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डब्ल्यू एच हेमनी के रूल्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच हेमनी के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे वॉच, वेन, वेयर, हाउ, फिर आपको इजमआर का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एट वॉट एज आर चिल्ड्रेन एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किस उम्र में बच्चे गलत या सही में अंतर समझ पाते हैं। नेक्स्ट, वॉट आर यू एबल टू डू इन योर लाइफ,
आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए एबल टू का इस्तेमाल डब्ल्यू शर्मी के वर्ड्स की सहायता से कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज शी एबल टू डू इन हर लाइफ, व्हाट इज ही एबल टू ईट, व्हाट आर यू एबल टू कुक, और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शर्मी के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इससे पहले हमने डब्ल्यू शर्मी का रूल सीखा, अब हम डब्ल्यू शर्मी के वर्ड्स की सहायता से नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इसमें आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे, आप काम करने में सक्षम क्यों नहीं है, वे लोग खाना बनाने में समर्थ क्यों नहीं है, वह क्रिकेट खेलने योग्य क्यों नहीं है, उस वह इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पाता है। ऐसे किसी भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए आप डब्ल्यू शर्मी के वर्ड्स की सहायता से नेगेटिव में आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें डब्ल्यू शर्मी के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, फिर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको एबल टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर पीपल नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट, वाई आर चिल्ड्रेन नॉट एबल टू डू होमवर्क ऑन टाइम, बच्चे समय पर होमवर्क क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल डब्ल्यू शर्मी के वर्ड्स की सहायता से कर सकते हैं, जैसे वाई आरंट दे एबल टू प्ले क्रिकेट, वाई इज शी नॉट एबल टू कुक फूड, वाई इज ही नॉट एबल टू डांस, वाई आर दे नॉट एबल टू डू होमवर्क, वाई आर यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वाई आर दे नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एबल टू का इस्तेमाल डब्ल्यू शर्मी के वर्ड्स की सहायता से कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ होमवर्क के लिए। होप आपको एबल टू समझ में आ गया होगा। अलग अलग रूल्स के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की, और एबल टू में बहुत अलग अलग तरीके का हिंदी होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल होता है, तो मैंने कोशिश किया है उसी के अकॉर्डिंग, अलग अलग हिंदी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है। हर एग्जाम्पल में मैंने अलग अलग हिंदी लिखने की कोशिश की है, और हेडिंग में भी मैंने अलग अलग हिंदी की सहायता से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ होमवर्क के लिए। ये सारे एग्जांपल्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बना के आप कमेंट कीजिए। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। होमवर्क के लिए आपका ये सारा एग्जांपल्स है। वह मुझे समझाने में समर्थ है, क्या वह बच्चों को पढ़ा लेती है, क्या वह यह गाड़ी चला सकती है, क्या वे क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या आप तैर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप इसे बनाइए और बना के आप कमेंट करके बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। ओके, थैंक यू।